बात करेंगे सबसे पहले देहरादून की, जहां सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। जिस गेट से सीएम धामी का काफिला निकलना था, उसी गेट पर किसी ने अपनी कार पार्क कर दी। आनन फानन में क्रेन मंगाकर कार को हटाया गया। कार के चलते सीएम का काफिला करीब आधे घंटे लेट हो गया। देहरादून से ये बड़ी खबर है, जिसमें सीएम धामी की सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त सीएम धामी का काफिला आधे घंटे देर से रवाना हुआ। बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का उत्तराखंड में लागू होना महज चंद दिनों की बात रह गया है। अब यूसीसी के नियमों का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही यूसीसी को देश में पहली बार उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई।2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी के लिए एक समान कानून का वादा किया था। सरकार पिछले ढाई साल से इस दिशा में काम कर रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने से लेकर विधानसभा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इसके रूल भी तय किए जा चुके हैं। शुक्रवार को यूसीसी के नियमों का ड्राफ्ट सीएम को सौंप दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड देश में पहला राज्य होगा जहां पर अगले चंद हफ्तों में यूसीसी लागू होने जा रहा है। सीएम का कहना है कि यूसीसी लाने के पीछे सभी धर्मों की महिलाओं को अधिकार देना है। ऐसा पारित हुआ तो मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर ये विधेयक बना है और जल्दी ये विधेयक कार्य रूप में क्रियान्वयन आने वाला है। तो आप सबका उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत कुछ खास होने वाला है और ये सभी धर्मों पर लागू होगा। किसी भी धर्म में शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होगी। एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक होगी। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तलाक के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सीएम धामी ने साफ कहा है कि यूसीसी किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यूसीसी का सबसे बड़ा असर मुस्लिम समुदाय पर होगा, जो कि अभी पर्सनल लॉ से चलते हैं। अभी मैदानी इलाकों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। देवभूमि उत्तराखंड को देश की आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा जिसको ये गौरव प्राप्त होगा कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो गया। बीजेपी के लिए कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और यूसीसी लागू करना तीन बड़े मुद्दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड हिंदुत्व एजेंडे के लिहाज से परफेक्ट राज्य है। सीएम को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपने के बाद कुछ औपचारिकताएं अभी भी बची हैं, लेकिन नजरें इस पर हैं कि किस तारीख से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यूसीसी का काउंटडाउन शुरू होते ही इस पर बयानबाजी भी होने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए लाया जा रहा है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि सभी को समान अधिकार के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। देखिए, यूसीसी का राग जो भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार अलाप रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब है, क्योंकि वो यूसीसी है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू करेंगे और अगर उसको आप राज्य से बाहर उस कानून के दायरे में अगर किसी के ऊपर कार्रवाई करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राज्य में, तो वहां तो वो लागू ही नहीं होगा क्योंकि उस राज्य का कानून ही नहीं है। इन सब विषयों को लेकर के ये जो यूसीसी कानून है ये उत्तराखंड की सरकार ला रही है, हमारा वादा था और इस वादे को हम लोग पूरा कर रहे हैं।
इसमें कहीं भी दूर दूर तक कोई भेदभाव नहीं है और कहीं इसमें ध्रुवीय राजनीति की जो बात कर रही है, ध्रुवीकरण की जो बात कांग्रेस कर रही है, ध्रुवीकरण तो हर विषय पर कांग्रेस करती है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा में विकास की नई बयार बहने वाली है। यहां पर 3 नए मिनी स्टेडियम खुलेंगे, साथ ही कॉलेजों में जिम्नेजियम भी तैयार किए जाएंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज दिल्ली में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों में मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और मुलाकात के बाद में अनिल बलूनी ने कहा कि उन्होंने गढ़वाल लोकसभा में मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव रखा और केंद्रीय मंत्री ने 3 मिनी स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी है, जिस पर जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कॉलेजों में जिम्नेजियम भी खोले जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं को खेलों में ज्यादा रुचि रहती है। अनिल बलूनी पहले भी न सिर्फ गढ़वाल बल्कि पूरे उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर सक्रिय रहे हैं और गढ़वाल सांसद बनने के बाद में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। एक तरफ केदारनाथ चुनाव घोषित हुए और दूसरी तरफ मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात पूर्व सीएम हरीश रावत ने कही। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या हरीश रावत कांग्रेस पर ही भारी पड़ने लगे हैं और कांग्रेस की ही मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि केदारनाथ चुनाव के बीच में उनका बयान कहीं पार्टी के लिए मुसीबत ना बन जाए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट देखते हैं। पंद्रह अक्टूबर को दिल्ली में चुनाव आयोग ने केदारनाथ उपचुनाव का ऐलान किया तो अगले दिन बांग्लादेश की बात करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट लिख डाली। हरीश रावत ने इस पोस्ट में कट्टरता को गलत बताया और हिंदुओं को उदार होने की सलाह दी। हरीश रावत के मुताबिक उदारता की शुरुआत शिक्षा से होती है, इसलिए सरकार को मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए और 90% मदरसे ऐसे हैं जो आज आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। तो सवाल है कि अचानक हरीश रावत को मदरसों की बात क्यों करनी पड़ी, जबकि उत्तराखंड में कई मदरसे सवालों में घिर चुके हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने तो इस पर लेटर तक लिख डाला है, जिसमें सभी राज्यों में कहा गया है कि मदरसों के बजाय शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को स्कूलों में शिक्षा दी जाए। ऐसे में कहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत की बात केदारनाथ में कांग्रेस की मुश्किल न बन जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार अवैध मदरसे मस्जिद मजार के खिलाफ एक्शन की बात कर रही है। ये जो है मदरसों की शिक्षा को जो है वो मुख्य धारा की शिक्षा के साथ समावेशित कर सकते हैं और उसमें हमको सफलता मिली है, उसमें हमको सफलता मिली है। आज 90% मदरसे ऐसे हैं जो जो लोग मुख्य धारा की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा को दे रहे हैं, तो हमको उसका काम करना है। हरीश रावत के बयान से बीजेपी खुश है, बीजेपी ने इसे कांग्रेस की असल सोच बताया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के मुताबिक नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली कांग्रेस के नेता अब मदरसे की बात कर रहे हैं और देवभूमि को ये सोच मंजूर नहीं है। अरे माननीय हरीश रावत जी, सिर्फ उनको तो मुस्लिम और मदरसे और ये सब दिखता है। मुझे लगता है ऐसा जो हमारे हरीश रावत जी इसकी राजनीति करते हैं वो उन्हीं को मुबारक है, लेकिन हम लोग सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास की बात करते हैं। बीजेपी ने 2017 में शुक्रवार को नमाज की छुट्टी को मुद्दा बनाया तो 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कांग्रेस को घेरा। ऐसे में केदारनाथ चुनाव के साथ मदरसों में शिक्षा वाली बात कहीं फिर चुनावी मुद्दा न बन जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। केदारनाथ चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर बड़ी खटपट हो गई है। अब खबर यह है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी आपस में भिड़े हुए हैं। अध्यक्ष केदारनाथ के बजाय रानीखेत में है तो हरियाणा से फ्री हो चुके प्रभारी शैलजा दिल्ली से ही फैसला ले रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को बड़े झगड़े की खबरें। केदारनाथ चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी शैलजा में ठन गई है। अंदर खाने की विवाद की वजह से ये लेटर बताए जा रहे हैं जो दिल्ली से एक के बाद एक जारी किए जा रहे हैं।
पहले प्रभारी शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष के बनाए जिला अध्यक्ष हटाए तो फिर केदारनाथ में पहले दो और फिर चार ऑब्जर्वर बनाने का फैसला भी प्रभारी ने ही लिया। इसी बात से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाराज बताए जा रहे हैं। केदारनाथ चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक करण महारा देहरादून नहीं आए हैं, न केदारनाथ को लेकर कोई बैठक हुई है। वहीं प्रदेश प्रभारी शैलजा लोकसभा चुनाव के बाद अब तक उत्तराखंड नहीं आई है, तो क्या दोनों में झगड़ा इतना बढ़ चुका है? प्रभारी और अध्यक्ष जी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है और अध्यक्ष जी शीघ्र ही केदारनाथ जाएंगे। देखिए, जिस दिन नामांकन होगा निश्चित रूप से अध्यक्ष जी केदारनाथ में रहेंगे, क्योंकि वर्तमान में अध्यक्ष जी के अपने क्षेत्र में भी कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत दिन से अध्यक्ष जी वहाँ नहीं गए, इसलिए अध्यक्ष जी रानीखेत में हैं। खबरें हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के विवाद में बड़े नेता भी खेमों में बटे हुए हैं, तो तनातनी भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बड़े नेता इस पर कुछ कहना नहीं चाहते और फिलहाल सब माहौल भांप रहे हैं। वहीं कांग्रेस में बदले माहौल पर बीजेपी मजे ले रही है। केदारनाथ विधानसभा को लेकर के अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं। कभी कोई बदलता है, कभी कोई बदलता है, कभी प्रभारी जी किसी को बना देती है, कभी प्रदेश के अध्यक्ष जी बना देते हैं, तो मुझे लगता है कि लड़ाई अब सड़कों में भी आने वाली है। कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और केदारनाथ उपचुनाव से पहले जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष महरा और प्रदेश प्रभारी शैलजा का रवैया दिख रहा है, उससे संकेत अच्छे नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उत्तरकाशी के हिटाणु में शासन से हॉट मिक्स प्लांट की मंजूरी मिलने के बाद से माफिया सक्रिय हो गए हैं और नियमों को ताख पर रखकर वन विभाग की जमीन पर सड़क बना डाली और ग्रामीणों का आरोप है कि इस जगह पर एक ग्रामीण का घर भी भूमाफियाओं ने ध्वस्त कर दिया, जिससे लोगों में आक्रोश है और ग्रामीणों का कहना है कि अगर इलाके में हॉट मिक्स प्लांट लगाया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। और उन्होंने जो है ये जो गांव में जो हॉट मिक्सर प्लांट लग रहा है, ये सारे गांव का विरोध है उसके प्रति कि यहाँ पर ये प्लांट नहीं लगना चाहिए, तो उसके बावजूद भी ये रात को अपना आ रहे हो गाड़ी लेके तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि गांव वालों का सबका विरोध है। मेन चीज़ हमारी क्या है कि जो यहाँ पर हॉट मिक्सर जो प्लांट लग रहा है उसके संबंध में मेन चीज़ हमारा जो है, सबसे पहले एक तो हमारा पानी जो दूषित हो रहा है, दूसरी बात क्या हमारा जो पशु का चारा है वहाँ से वो पत्ती सिर्फ आपको वहीं मिलेगी, आप सर्वे कर सकते हैं, किसी भी एरिया में और कहीं नहीं मिलती है, जिसमें कि हमारे पशु निर्भर है। जो हमारा मकान तोड़ा गया है, मैंने उन्हें पहले एक दिन पहले मना कर दिया था, मेरी कोई परमिशन नहीं उनके पास कि मैं हमारे मकान में छेड़ना मत, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन रातों रात उन्होंने मकान को ध्वस्त कर दिया है। दूसरे दिन जब मौके पे हम गए तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ, बराबर उन्होंने कर दिया, कोई परमिशन नहीं, मैंने उनके लिए मना कर दिया था, फिर भी मना करने के बाद उन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया। उत्तरकाशी में माफिया किस तरह से सक्रिय है हम आपको ग्राउंड जीरो पे हिटाणु क्षेत्र में दिखा सकते हैं, जहाँ पे हॉट मिक्स प्लांट लगना है और उससे पहले किस तरह से वन विभाग और सिविल भूमि को काट दिया गया है बिना परमिशन के, जो बड़ा ही सवालिया निशान सिस्टम पे खड़ा कर रहा है। आप ग्राउंड जीरो पे है, ग्राउंड जीरो पे देख सकते हो कि किस तरह के हालात है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वन विभाग की सड़क है और जिस जगह पे जो खुदाई की गई है वो क्षेत्र भी पूरी तरह से वन विभाग का है और सिविल भूमि भी यहाँ पे पड़ती है, तो रातों रात इसको काटा गया है और बिना परमिशन के, और जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण लगातार हॉट मिक्स प्लांट और क्रेशर प्लांट का विरोध कर रहे हैं और जिसका नतीजा कि ग्रामीणों ने बैठक भी की और आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में खनन माफिया भी पूरी तरह से हावी है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल खड़ा हो रहा है और ग्रामीणों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी हाल में इस जगह पे हॉट मिक्स प्लांट नहीं लगाने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए बड़ा आंदोलन करना पड़े, पर अपडेट यही है कि इस समय इस जगह पे माफिया सक्रिय है, पूरी तरह से सरकारी भूमि हो, वन भूमि है, उस पे छेड़छाड़ की जा रही है और रास्ता बनाया जा रहा है, जो बड़ा सवाल सिस्टम पे खड़ा करता है। बलबीर परमार, न्यूज 18, हिटाणु, उत्तरकाशी।